वेलकम इन आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज डिजिटल इमेज? बेसिकली डिजिटल इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल इमेज एज अ फाइनाइट सेट ऑफ डिजिटल वैल्यूज कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल। बेसिकली जो डिजिटल इमेज होता है किसी भी एक प्लेन में, टू डायमेंशनल प्लेन में किसी भी एक इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पिक्चर या पिक्सल कहते हैं। बेसिकली जो इमेज होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से मिलके बनाता है। हर पिक्सल की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कुछ कोऑर्डिनेट होता है। सो बेसिकली द फील्ड ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग डिजिटल इमेज बाय मींस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सो so in this context basically an image may be defined as a two dimensional function fxy where x and y are spatial coordinates and the amplitude of f at any pair of coordinates xy is called the intensity or gray level of the image at that point. तो बेसिकली जो इमेज होता है टू डायमेंशनल फंक्शन एफ एक्स वाई में डिफाइन किया जाता है, वेयर एक्स और वाई इज अ प्लेन कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेट्स है या स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स है। और एफ क्या होता है? बेसिकली एम्पलीट्यूड एट एनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। किसी एक पॉइंट एक्स वाई पे एफ जो है उसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। अगर एफ एक्स वाई लिखा हो तो इसमें एक्स और वाई क्या होता है? किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एफ इज द एम्पलीट्यूड एट एनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक, एंड इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी और ग्रे लेवल ऑफ द इमेज एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है? अगर एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और एफ क्या है? उस एक्स और वाई पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड है या उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम इंटेंसिटी और ग्रे लेवल इंटेंसिटी भी कहते हैं, या फिर किसी भी इमेज का उस पॉइंट पे ग्रे लेवल भी कहते हैं। व्हेन एक्स एंड वाई xy and the amplitude values of f are all finite discrete quantities, we call the image a digital image. मतलब क्या है? अगर उस प्लेन में जो हम fxy किसी एक स्पेशल प्लेन में fxy को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें अगर x y और f जो हमारा एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी होता है, अगर ये तीनों चीज़ें फाइनाइट होती हैं तो फाइनाइट डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं तो उसको हम डिजिटल इमेज कहते हैं। उस इमेज को हम जैसे एफ एक्स वाई में f भी x भी और y भी तीनों चीज़ें क्या हों, अगर फाइनाइट है तो उस इमेज को हम डिजिटल इमेज कहेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें भी होती हैं डिजिटल इमेज में, जैसे पिक्सल होता है। पिक्सल क्या होता है? कोई भी इमेज जो है छोटे छोटे पिक्सल से ही मिलके बनता है। तो
एक तरह से कहा जाए तो अ डिजिटल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच ऑफ ईच ऑफ विच हैज अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड वैल्यू. दीज एलिमेंट्स आर रेफर्ड टू एज अ पिक्चर एलिमेंट्स, इमेज एलिमेंट्स एंड पिक्सल. मतलब कोई भी इमेज होता है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनता. बेसिक इमेज की बेसिक चीज क्या होती है? पिक्सल. उसी की हेल्प से, छोटे छोटे पिक्सल्स के ही कॉम्बिनेशन से कोई एक डिजिटल इमेज की फॉर्मेशन होती है, बनती है. पिक्सल इज द टर्म मोस्ट वाइडली यूज्ड टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ अ डिजिटल इमेज. किसी भी डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स. सो दिस इज कॉमन इमेज फॉर्मेट इंक्लूड. इसमें वन सिंपल पर पॉइंट ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल वाले इमेज होते हैं जो ये हैं. सेकंड आपका ये आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू है. और एक ये थर्ड है जो फोर सिंपल पर पॉइंट रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज डिजिटल इमेज. सो नेक्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. डिजिटल, अभी तक हमने जाना कि क्या होते हैं डिजिटल इमेज. डिजिटल इमेज बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी स्पेशल प्लेन में एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट होते हैं. और एफ क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन में. और अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एम्पलीट्यूड तीनों चीजें अगर डिस्क्रीट फाइनाइट हो जाती हैं तो ये डिजिटल इमेज होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कि क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आर फोकसेस ऑन टू मेजर टास्क. फर्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा for storage, transmission and representation for the autonomous machine perception. Basically, जो digital image processing होता है, दो major चीजों पे focus करता है. पहला, कोई भी picture है, human interpretation के लिए उसमें improvement, first thing. And second thing, किस पे focus करता है? Processing of image. Image की processing पे, इमेज डेटा के प्रोसेसिंग पे, फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एंड रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज यूज्ड फॉर मशीन परसेप्शन. तो बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इन दो चीजों पे फोकस करता है. सो व्हाट इज डीआईपी? द कंटिन्यूम From image processing to computer vision can be broken up into low, mid, and high level process. Low level process contains where input is image and output is image. Example, noise removal, image sharpening. And in the case of middle level processing, this contains image as an input and attributes as an output. Examples are object recognition and segmentation. And finally, the high level process includes attributes as an input and understanding as an output. Example, whose examples are scene understanding and autonomous navigation. So this is all about digital image processing. So next one is next thing is that history of digital image processing. इसकी हिस्ट्री को हम देखते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज वाज इन द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री व्हेन पिक्चर्स वेयर फर्स्ट सेंड बाय सबमरीन केबल बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क. इसका पहला एप्लीकेशन डिजिटल इमेज का न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में देखा गया था. जब किसी केबल के थ्रू जो है लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में भेजा गया,
early 90s, in the era of 1920s, one of the first application of digital image was in the newspaper industry, the Bertillon cable picture transmission service, where image was transformed by submarine cable between London and New York, and that picture was coded for cable transfer and a reconstructed at the receiving end on the telegraph printer. This is the happened during 1920s, and this is the figure which is transmitted in this way and reproduced on a telegraph printer fitted with type faces simulating a half tone pattern. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई. द इनिशियल प्रॉब्लम इज इम्प्रूविंग द विजुअल क्वालिटी ऑफ दीज अर्ली डिजिटल पिक्चर्स वेयर रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग पिक्चर्स प्रोसीजर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी लेवल. दिस इज द प्रॉब्लम विच इज विजुअलाइज्ड during 1920s. So after 1920, the printing technique based on photographic reproduction made from tapes performed at the telegraph receiving terminal from 1920s के बाद जो प्रिंटिंग टेक्निक थी वो फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन पे और जो टेप से बनती हैं उस पे बेस्ड प्रिंटिंग टेक्निक काम करना शुरू किया, जिसका ये है इम्प्रूव डिजिटल इमेज. ये इम्प्रूवमेंट्स टू द बर्टलिन सिस्टम रिजल्टेड एट हायर क्वालिटी इमेज. जो हमारा इसके पहले 1920 के पहले जो इमेजेस यूज होती थी उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन मेड फ्रॉम टेप्स. सो न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द फोटोग्राफिक टेक्निक. जो नई प्रोडक्शन टेक्निक रिप्रोडक्शन प्रोसेस यूज किया गया वो बेसिकली फोटोग्राफिक टेक्निक पे हुआ, और साथ ही साथ इसमें जो रिप्रोड्यूस्ड इमेज थे उसमें जो है नंबर ऑफ टोन्स जो होते हैं इंक्रीज कर दिएगा, जो कि ये है अर्ली 15 टोन डिजिटल इमेजेस. दिस इमेज शोज अ इमेज ऑब्टेंड यूजिंग दिस मेथड. ये जो मेथड हमने यूज किया 1920 के बाद उसका इमेज ये. द अर्ली बर्टलिन सिस्टम वेयर कैपेबल ऑफ कोडिंग इमेजेस in 5 distinct level of grid. The capability was increased in 15 levels in 1929. ये image है, इसमें जो capability जो होती है increase की गई up to 15 level. तो ये जो image है इसको कहा गया type of image that could be obtained using 15 tone equipment. 1929 में ये आपका इमेज बना. फिर बात आई 1960 में क्या हुआ. इन दिस एट दैट टाइम इंप्रूवमेंट्स इन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड द ऑनसेट ऑफ द स्पेस रेस लेड टू अ surge of work in digital image processing. And during 1964, computer used to improve the quality of images of the moon taken by the Ranger 7 probe. ये image है जो लिया गया था, a picture of moon. This figure shows the first image of the moon taken by Ranger. 1964 में, ये समय में
ये फर्स्ट पिक्चर है जो मून का लिया गया है विद द हेल्प ऑफ रेंजर 7। बेसिकली सच टेक्निक्स वेयर यूज्ड इन अदर स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग द अपोलो लैंडिंग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ड्यूरिंग 1970s डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बिगेंस टू बी यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशंस। बेसिकली 1960 में फर्स्ट इमेज लिया गया मून का, चंद्रमा का, और 1970s में मेडिकल एप्लीकेशंस में डिजिटल इमेज का यूज स्टार्ट हुआ। बेसिकली मेडिकल एप्लीकेशंस में, मेडिकल फील्ड में इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का बहुत सारा यूज होता है। अभी हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली ये देखिए इमेज है, ये कैट आईज की इमेज है जो कि लिया गया है। बेसिकली नाइनटीन सेवेंटी में 1979 में हम टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ, जिसको जो बेसिकली कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी पे बेस्ड। ये देखिए ये कैट आई की इमेज ली गई थी उस समय इस टेक्निक से, टोमोग्राफी मेथड से। और उसके बाद 1970s के बाद 1980s से लेके अब तक द यूज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैड एक्सप्लोडेड एंड दे आर नाउ यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टास्क इन ऑल काइंड्स ऑफ एरिया। अभी तक 1980s से लेके अभी तक मैक्सिमम फील्ड्स में यूज हो रहे हैं। इमेज को इनहेंस किया जा रहा है, रिस्टोरेशन किया जा रहा है, मेडिकल विजुअलाइजेशन, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेज, इन सब चीजों में। ये सब नए नए चीजें 1980s से आज के बीच में ये सारी बातें, नए नए चीजें, नए नए कंसेप्ट आए जो जो कि नए नए फील्ड्स में यूज हुए। तो ये बेसिकली हिस्ट्री हो गए। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इस अपने लेक्चर में सबसे पहले देखा व्हाट इज डिजिटल इमेज। उसके बाद हमने देखा क्या होता है डिजिटल इमेज। उसके बाद देखा क्या हो सॉरी पहले हमने देखा डिजिटल इमेज। उसके बाद हमने देखा क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बाद हमने ये डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब हिस्ट्री के बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ डीआईपी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंप्रूव क्वालिटी, रिमूव नॉइज। जो हमारी इमेज होती है उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। प्रोसेस करके कुछ भी इन्हेंसमेंट उसमें करते हैं। कैसे इन्हेंसमेंट होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, उसको हम आगे देखेंगे। इसकी हेल्प से हम जो भी नॉइज, जो भी डिस्टरबेंस होता है, उसको भी हम रिमूव करते हैं। बेसिकली द फील्ड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग हैज एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड स्पेस प्रोग्राम। बेसिकली जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है मोस्टली दो जगहों पे ज्यादा यूज होता है, मेडिकल फील्ड में और दूसरा स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष वगैरह। देखते हैं इन द एरा ऑफ 1990s लॉन्च्ड द हेबल टेलीस्कोप दैट कैन टेक इमेजेस ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाउएवर एन इनकरेक्ट मिरर मेड मेनी ऑफ हेबल्स इमेज यूजलेस। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स वेर यूज्ड टू फिक्स दिस। एंड द कंप्यूटर प्रोसीजर्स आर यूज टू इनहेंस द कंट्रास्ट ऑफ कोड, कंट्रास्ट और कोड द इंटेंसिटी लेवल इन टू कलर फॉर इजियर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरेज एंड अदर इमेजेस यूज इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन द हेबल टेलीस्कोप। इसकी हेल्प से हम कोई भी बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है उसका हम इमेज ले सकते। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आर यूज टू मेक इमेजेस मोर विजुअली अपीलिंग, टू एड स्पेशल इफेक्ट्स एंड टू मेक कंपोजिट इमेजेस।
एक इमेज है उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड करके उसको कंपोजिट इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन मेडिसिन में एक्सरे इमेजिंग। एक्सरे में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। इसी तरह से गामा रे इमेजिंग में भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। जैसे देखिए ये इमेज है प्रोसेस किया गया है। रेडियो फ्रिक्वेंसीज एमआरआई होता है उसमें भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई होता है बॉडी के पार्ट्स का। मेडिकल फील्ड में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा यूज है और साथ ही साथ स्पेस वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। बहुत अच्छा फील्ड है। अल्ट्रासाउंड में भी आपका देखिए बेबी है, अल्ट्रासाउंड में भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। ये 3D टोमोग्राफी एंड रेंडरिंग द ट्रांसपेरेंसी। 3D टोमोग्राफी में भी ये देखिए ये MRI वाली मशीन है, ये CT स्कैन वाली, सॉरी ये CT स्कैन वगैरह होती है उसमें ही ये यूज होता है। जैसे CT स्कैन होता है सर का होता है, किसी भी चीज के अंदर के पार्ट्स के बारे में बता देता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये है टोमोग्राफी वाली मशीन, 3D टोमोग्राफी एंड रेंडरिंग ट्रांसपेरेंसी। ये है आपका उसी, ये ह्यूमन ब्रेन है, कैंसर सेल है, आइस ब्लॉक है, ये सिटी स्कैन जो होता है उसमें जो टोमोग्राफी टेक्निक यूज होती है ये सारा देखिए डिटेल बता रहा है इसमें। ये है टेक स्लाइस फ्रॉम MRI स्कैन टू ऑफ कैन हार्ट एंड फाइंड बाउंड्रीज बिटवीन टाइप ऑफ टिश्यू। इमेजेस विद ग्रे लेवल रिप्रेजेंटिंग टिश्यू डेंसिटी, यूज अ सुटेबल फिल्टर टू हाईलाइट एजेस। ये भी एक एप्लीकेशन है। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज बहुत ज्यादा है। इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट एंड इमेजरी, सैटेलाइट में, फिर आपका टेरेन क्लासिफिकेशन है, मेट्रोलॉजी है, GIS में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। नाइट टाइम लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड डेटा सेट, इंफ्रारेड, ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, नॉट हार्ड टू इमेज द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट माइट बी डन यूजिंग दिस डेटा। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली ह्यूमन ऑपरेटर्स आर एक्सपेंसिव, स्लो एंड अनरिलायबल, मेक मशीन्स डू द जॉब इंस्टेड इंडस्ट्रियल विजन सिस्टम। बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मशीनें होती हैं जो इंसान के द्वारा चलाई जाती हैं, तो वो बहुत ही रिलायबल नहीं होता और एक्सपेंसिव भी होता है और स्लो काम भी होता है। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से हम नए नए ऐसे भी कुछ मशीनें हैं जो मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन के बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड होती है जिसमें ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पे भी इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। PCB इंस्पेक्शन में भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो आपके कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें PCB बोर्ड होता है, वहां पे भी इसका यूज होता है। लॉ एनफोर्समेंट, इन दिस लॉ सेक्टर में भी इसका यूज होता है। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय लॉ एनफोर्समेंट। जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स आजकल जो लग रही हैं, या फिर जो भी फिंगरप्रिंट होती हैं, ये सब सिक्योरिटी बेस्ड, इनहेंसमेंट ऑफ CCTV कैमराज, ये सब, या CCTV इमेजेस, ये सब लॉ एनफोर्समेंट के सेक्टर में आते हैं। यहाँ सब इन सारी जगहों पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज होता है। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में भी इसका यूज है। बेसिकली जैसे फेस रिकॉग्निशन है, गेस्चर रिकॉग्निशन है, इन सब जगहों पे भी इसका यूज होता है। पूछा जाता है कभी कभी एप्लीकेशन ऑफ, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ DIP।
तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले देखा व्हाट इज डिजिटल इमेज, डिजिटल इमेज क्या होता है, पहले हम लोगों ने उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। उसके बाद थर्ड चीज पॉइंट हमने देखा हिस्ट्री ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कि 1920 से लेके टिल नाउ अब तक क्या क्या उसमें उसकी क्या हिस्ट्री रही, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे क्या क्या नए नए कंसेप्ट आए। जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसी तरह से कि पहले आपका वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ, फिर आपका ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट आया, फिर ऐसे से हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में भी है। और 1920 से लेके और आज तक क्या क्या उसमें नए नए टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हुआ। तो उसमें हम लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, मेडिकल फील्ड्स में यूज हुआ, लॉ सेक्टर में यूज हुआ, पीसीबी के इंस्पेक्शन में यूज हुआ, जीआईएस आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी यूज हुआ, स्पेस में भी यूज हुआ, सैटेलाइट वगैरह में। तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज होते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये आपका, ये रहा आपका टोटल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह।